एमती कौन घटिगला जे स्वामी ता स्त्री को मारी पकाइला आउ सेपटे स्त्री स्वामी को हानी देला। दर्शक बंधु उभय घटना अलग अलग स्थान रे घटी हेले कारण समान स्वामी स्त्री भितर फाट आउ केते दिन जाए एभली घटना मान घटुथिबो ताहा ही एबे समाज को स्तब्ध कर देउछि। स्वामी स्त्री गोटे प्राण गोटे जीवन होई परिवार आरंभ त करंती हेले किछि वर्ष परे संपर्क पिता होई जाए। एमिती तिक्तता आसे उभयंक भितरे जे जीवनरु मारी देबाकु पछाउ नाहंती केही भी। एठी काहाकु आपण दोष देबे वीडियो देखंतु एवं कुहंतु। गंजम जिला दिगपहंडी थाना चैतन्यपुर गाँव पारिवारिक कलह को नहीं जो घटना घटी जाइछि आपण जानिले भी आश्चर्य होइजिबे। स्वामीटी स्त्री को निर्मम भाव हत्या करी मारी सुआई देछि सेई जागारे मारिछि जेउठी बसी दिने उभय संसार गढ़ीबा पाई अनेक स्वप्न बुणिथिले। स्त्रीर तंटी काटिबाकु स्वामीर हाथ केमिति गला एतिके हुए तो भाबी पारु नथिबे आपण। स्त्रीटी निजकु बचाइबाकु जाइ प्रतिआक्रमण भी करिछि जहाँफळरे स्वामी गुरुतर अवस्थारे ब्रह्मपुर एमकेसीजी मेडिकल रे चिकित्सित होउछि। जना पड़िछि गाँवर हिरण्य सेठीक परिवार रे किछि दिन हेला अशांति लागि रहिथिला तेबे मंगलवार रातिरे कौनसी कारण को नहीं झगड़ा होइथिला स्वामी हिरण्य और स्त्री झुनु भितरे। तापरे हिरण्य झुनुक तंटी काटि देइथिबा अनुमान करुछि पुलिस कारण रक्ताक्त अवस्था रे झुनुर मृतदेह घर भितरे पड़िथिबा बेले पुलिस भी तार तदंत आरंभ करिछि। कथा एठी सरी नहीं दर्शक बंधु अन्य एक स्थान रे आठगड़ विज्ञापित अंचल परिषद अधीन 4 नंबर वार्ड हरिजन साहि रे घटी जाइछि एक अभावनीय घटना। स्त्रीर छुरा माड़े एठी स्वामीटी घटनास्थल ही टली पड़ी। मृत स्वामी जनक होती मंगुली नायक स्त्री रीना नायक और तांक स्वामी मंगुली नायकों मध्य दीर्घ दिन धरी कलह लगि रही। मंगुली नायक रीना को द्वितीय बहुत करथिबा जमापड़ प्रथम स्त्री मामी नायक थाई मंगुली रीना को द्वितीय बहुत करते रीना मध्य पूर्वरु विवाहिता थिले। किछि मास पूर्वरु मंगुली नायक और रीना नायक मध्यरे प्रेम संपर्क गढ़ी उठिथिबा समस्ते कहंती। परे मंगुली रीना को नै कुआडे चली जाइथिले। किछि दिन परे पुणी घर को फेरी उभय रहिथिले। पुणी धीरे धीरे रीना और मंगुली नायकक भितरे कलह लागि रहिला जहार फलस्वरूप रीना रागरे मंगुली को एक छुरा साहाज्यरे बेक आउ पेट को आघात करिबारु घटनास्थलरे ही मंगुली मृत्युवरण कले। खबर पाई आठगड़ा पुलिस घटनास्थल रे पहुंची रीना को गिरफ्त करबा सह अधिक तदंत भी जारी रखी। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଉଭୟ ଗାଁରେ ଏବେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଘଟଣାକୁ କେହି ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କାରଣ ପାରିବାରିକ କଳହ ସବୁରି ଘରେ ଅଛି। ହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି କେଉଁ କଥା ଘଟିଗଲା ଯାହା ଜୀବନ ନେଇଗଲା ତାହା ହିଁ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ପୋଲିସ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଡାକୁଆ ଆଠଗଡ଼ରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ରାଉତ ପଠାଇଛନ୍ତି ଏହି ରିପୋର୍ଟଟି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଭଳି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ଆପଣ ଏବେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ପରିବାର ଗଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି କି ଏଭଳି ଲୋକ? ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର ତାହା ବି ଭୁଲି ଯାଉଛି କି ମଣିଷ? ପ୍ରତିବର୍ଷ କେତେ ପ୍ରେମ ମାସ, ପ୍ରେମ ସପ୍ତାହ, ପ୍ରେମ ଦିବସ ପାଳନ ହେଉଛି, ତଥାପି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ତିକ୍ତତା କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି? କେମିତି ସୁଧୁରିବ ଆମ ସମାଜ? ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କ ମାନସିକତା ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ? ଆପଣ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଦେଶ ଦୁନିଆର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ।